हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और आपका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज व्लॉग शाम को स्टार्ट कर रहे हैं, शाम के 7:30 बज रहे हैं। चाय वाय पी ली है, सब ऑल डन कर दिया है। मैंने कहा जी आज बना रहे हैं डोसे बच्चों की फरमाइश पे, तो फर्मेंटेशन तो हो नहीं पाता क्योंकि धूप नहीं निकली थी। बट मैंने अपने डोसे के जो डोंगा था ना, जो मतलब मैटर का जो पतीला था, उसको माइक्रोवेव के अंदर रख दिया। इसमें उसमें अच्छे से फर्मेंटेशन हो गया गर्मेंट से, क्योंकि उसको गर्मी चाहिए होती है इसलिए। तो अब सांभर मैं अपना रेडी कर चुकी हूँ, आलू बॉयल करके उनको भी मैटर तैयार कर दिया है। और लास्ट व्लॉग में हमने देखा था कि हम चुनमुन से शॉपिंग करके आए थे, तो आज आपके साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करेंगी, हमने शॉपिंग में क्या क्या खरीदा है। राखी आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है, तो शॉपिंग तो बनती है, और ऐसे छोटी मोटी शॉपिंग भी करते रहना चाहिए। ठीक है जी, खुद को भी अच्छा लगता है और खुद को ही अच्छा लगता है जो शॉपिंग करता है। क्यों भाई तनिष्क? सही बात है, इसके नोट खर्च रहे होते हैं तो दुखी होता है बंदा। इसके नोट पैसे खर्च होते हैं तो दुखी होता है। जिसके नोट खर्च रहे हो तो वो तो दुखी होता है। ये बात भी सही है, तनिष्क बिल्कुल सही कह रहा है। तो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, ज्यादा शॉपिंग नहीं करी मैंने। मतलब जिन चीज की नीड थी विदाउट ऐसे फालतू में कोई शॉपिंग नहीं करी हमने। तो अभी अभी शॉपिंग अपनी मम्मी को भी दिखाएंगे, मम्मी को भी नहीं दिखाई मैंने, तो मम्मी को भी दिखाएंगे। तो पहले मैं अपना अपना खाना प्रिपेयर कर लूँ, जब शॉपिंग दिखाएंगे तो आपसे भी शेयर करते हैं। तो आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस, डोसे बनाने की रेसिपी स्टार्ट हो गई है। अब डोसा बनाने जा रही हूँ मैं। सबसे पहला डोसा माता जी का, यानी कि सासू माँ का। तो स्टार्ट करते हैं। जय माता की। लेट्स रॉक। अरे ये कटेड़ा मेरा हो गया। लेट्स रॉक बनना चाहिए सही। अब इस पर थोड़ा सा घी की ग्रीसिंग करेंगे थोड़ी सी। डोसा हमारा बढ़िया बने, हल्का सा बिल्कुल। क्यों सुनील जी? मैं बना देता वैसे। आप बना लो डोसा। नहीं वीडियो नहीं, ऐसे करके वीडियो। गाइस ये मैंने बनाई है आज, मैंने मैसूर चटनी नहीं बनाई, खाली मैंने लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनाई है। तो ये भी बहुत टेस्टी बनती है, और इसमें अगर आप लगा दो देसी घी थोड़ा सा डाल के 1.5 चम्मच राई का तड़का, तो स्वाद ही आ जाएगा। कभी परांठा बना के ना नाश्ते में, कोई भी आलू का, गोभी का, या सिंपल उसमें चटनी डाल के खाना, आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है। A few moments later. कोचिंग जाता है ना उसके लिए, बढ़िया। ये लाई हूँ मैं, फोन है मेरे फोन पे, सही रेट का मिल गया, सही लग रहा है। ये सारे ऐसे कलर तेरे पास और भी घने ही ऐसे कलर? हाँ ऐसा कलर तो है नहीं मेरे पास, एक रोक वाला है। हाँ सही है, सिला सिलाई मिल गया, बहुत कॉटन है। कितने का मिला पता है? और बहुत किफायती रेट पे मिला ये। और ये हैवी फ्रॉक वाला, फ्रॉक वाला भी है, और पूरा दुपट्टा है कॉटन का। देखो बंद कर दे रमेश, सही नहीं है, रक्षाबंधन में पहन लेंगे। क्यों भाई? रक्षाबंधन में पहन लेंगे। और क्या ना तो सबसे अच्छा, एक ये टॉप लाए पैंट पे पहन लेंगे। ये टॉप, ये टॉप बढ़िया लगेगा। टॉप तो बड़ा टॉप का इतना टॉप बढ़िया लगा। हां जींस पहनने के लिए शर्ट से खुली है, टॉप का टॉप है। 1500 रुपए का, मगर अब ये बिल्कुल एक जैसी ले रहे हो। देखो इसमें भी ऐसे डॉट डॉट लग रहे हैं, कलर तो अलग है ना। तो भाई कंपनी एक है ना, कलर तो अलग है, ये डॉट कलर तो अलग है, फिर भी बस मतलब बिल्कुल थोड़ा डिजाइन डिजाइन के अलग। दूसरी कंपनी मेरा साइज ही नहीं था। और ये दो बच्चों की टी-शर्ट्स हैं, तन्ने की। तनिष पहनना चाहे तो तनिष भी पहन सकता है, मगर तनिष कह रहा आप बर्थडे गिफ्ट हो गया, बर्थडे के बारे में बोलियो। 1400 गए, टॉप बड़ा टॉप का है। दोनों काम नहीं बढ़ गए एक ही बार में। और ये पर्स है, परसों में ले आई, मैंने कहा चलो
बढ़िया लग रहा है। मैं तो ऐसे पूछ लिया था पर्स पे, एक तन्ने का बैग लिया था ना पर्स का, था पूछा था, वो बोला कि देख लो अच्छे लग रहे हैं। मैं कहा फिर इसमें ब्लैक कलर था, बढ़िया लग रहा था। बढ़िया कितने का होगा बताओ? शादी पार्टी में ले जाएंगे भाई। कितने का ये तो बता? 2000 का। 2000 रुपए का? तो भाई फिर ये भी अगले बर्थडे का गिफ्ट हो गया। अब तेरे दो बर्थडे और एक एनिवर्सरी पड़ गई। दो बर्थडे एक एनिवर्सरी पड़ गई, हम तो हो गए भाई फ्री। ठीक लग रहे? बढ़िया। उसका बैग तो दिखाया ना तुमने तन्मय का? कहाँ दिखाया तुमने? अंदर रख दिया। 3500 का 50% पे मिला है, 1750 का। 3500 का बैग है हर साल नया बैग होना चाहिए बच्चों का। बच्चे तभी तरक्की करते हैं। सही बात है। तो हर साल अभी तो साल शुरू है उसका। कोई बात नहीं, सही है। तो बदल बदल के ले जाएगा, बदल बदल के ले जाएगा। इसका अभी लगवा लिए, फिर बाद में फटेगा, फिर तो डोसे कैसे लगे तेरे को? बढ़िया लगे। माजी और पापा स्नैपचैट पे फिल्टर ट्राई करते हुए चेक करो। सींग लगा के ऊपर, ये तो दुनिया करती है। दिखाना दिखाना, तेरे भी आ रहे हैं। गाइस देखो कैसे, नहीं गंजे वाली दिखाओ, गंजे वाली लगा रहे हैं, गंजे वाले नहीं। क्यों गाइस, सुनील जी को देख लो, छोटा बच्चा। ओ वाओ, ये तो सुनील जी क्यूट लड़की बन गए हैं। हेलो गाइस, सुंदर लड़की लग रहे हो, तो आप जनानी लग रहे हो बिल्कुल। हाउ आर यू? द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और मैं नहा भी ली हूँ। और आज जाना है हमें तनिष्क के स्टिचेस खुलवाने हॉस्पिटल। वैसे तो थर्सडे को खुलने थे बट उस दिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, तो फिर आज वो मंडे को मिलना था। तो अब आज मंडे है तो जा रहे हैं। अभी सुनील जी उसको नहला रहे हैं, वो नहा लेता है, फिर हम लोग हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। तनिष्क कर लिए ब्रेकफास्ट, चले स्टिचेस खुलवाने के लिए रेडी? डर लग रहा है? नहीं लग रहा। वैसे डरने की कोई बात भी नहीं है, बहादुर बच्चा है ये। 3 दिन हो गए दिल्ली में, बुरे हाल हो रहे हैं बारिश के। धूप आ रही है, बारिश आ रही है, धूप जा रही है, बारिश जा रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? शेर सुनाऊं? शेर सुनाऊं? कुत्ता कर रहा था 12 मिनट एक्टिव, आज तनिष्क की खुलेगी पट्टी। बार हवा चल रही है, मौसम हो रहा है बढ़िया शानदार वाला, पहाड़ों वाला मौसम, बारिश धूप, बारिश धूप, दिल्ली का मौसम हो रहा है पहाड़ों वाला। गलत बोलती है। आज 4th दिन है दिल्ली में तो मौसम जो है ऐसा हो रहा है, पल में बारिश पल में धूप। इंद्रधनुष एक दिन नहीं देखा मैंने निकलता हुआ, तुमने देखा है? नहीं ना, ऐसे निकलता है ऐसे मौसम में जब धूप और बारिश इकट्ठी होती है? नहीं ऐसे हो नहीं सकता। जो चुपचाप मारता है बंदों को अपनी मीठी मीठी बातों से। चलो जी हॉस्पिटल आ गया, हमारे घर के पास ही है, 10 मिनट की दूरी पे, चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं डॉक्टर आया नहीं आया, क्योंकि आज हम बिना कॉल करे आए हैं। ऑपरेशन तो वहाँ हुआ था सेकेंड फ्लोर पे। तो गाइस तनिष्क का डॉक्टर ने एक्सरे करने के लिए बोला है, तो फाइनली इसका एक्सरे करवा दिया है। एक्सरे हो गया है, अब भैया देखने गए हैं एक्सरे ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो गाइस फिर बारिश आ गई है, हमारा घर जाने का टाइम है और दोबारा झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई है। दिख नहीं रही होगी आपको, दिख रही है?
तो गाइस बारिश आ रही है और हम कर रहे हैं बाहर वेट, सुनील जी गाड़ी लेने गए हैं। मैं बाहर बैठे हुए हैं, गाड़ी और बारिश भी आ रही है और गाड़ी का वेट कर रहे हैं। सुनील जी दवाई लेने गए हैं तनिष्क की और गाड़ी लेने गए हैं। अभी वो आते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं। क्यों भाई, और आप बताओ? जय बाबा की लाड लो। ठीक, हाँ ठीक है ना। आज तनिष्क के स्टिचेस भी ओपन हो गए हैं, स्टिचेस ओपन हो गए हैं इसके, कचरा बंदी का लगती है। सही है, जय बाबा, जय बाबा की। तो गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की और शायद इन्होंने दवाई भी ले ली है तनिष्क की। और अब चलते हैं घर, सीधा घर जाके काम भी करना है भाई, सफाई वाली नहीं आ रही आजकल, बड़ी प्रॉब्लम है। तो गाइस आ गई हूँ घर और आके चेंज भी कर लिया है और तनिष्क का हाथ अब ठीक है, स्टिचेस ओपन हो गए हैं जैसे आपको मैंने बताया है। पहले इसका एक्सरे हुआ है, डॉक्टर ने बोला था एक्सरे एक बार करवा लो तो देख लेंगे, तो रिपोर्ट ओके आई है। हड्डी जुड़ने में वो कह रहे इतनी जल्दी, डॉक्टर कह रहे हड्डी नहीं जुड़ती, कम से कम 3 महीने लगते हैं हड्डी जुड़ने में। उसने फिजियोथेरेपी बताई है करवाने के लिए कि थोड़ी सी आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दो ताकि इसके हाथ जो है सीधा हो जाए। और बारिश हो रही है बाहर झमाझम। घर आ गए हैं हम, गाड़ी से गए थे क्योंकि गीले होने का तो चक्कर था नहीं। फिर तो मैंने आगे कर लिया चेंज, अब मैं संभालूंगी अपना मोर्चा झाड़ू एंड पोचे का। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं मज़ेदार नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।